उमा भारती ने अपने ऐलान के मुताबिक शराबबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। 8 मार्च को इस मुहिम का आगाज उनके घर से ही हुआ, जहां उन्होंने 200 महिलाओं को बुलाया, पर शराबबंदी के नाम पर 500 महिलाएं उनका साथ निभाने पहुंची। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद शराबबंदी पर उमा भारती के तेवर थोड़े नर्म जरूर पड़े हैं, जिन्होंने जंगी आगाज करने की जगह फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को पत्र लिखकर शराबबंदी और नशाबंदी के बारे में अपना पक्ष रखा है। उमा ने पत्र में लिखा है कि सरकार मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना चाहती है तो शराबखोरों और नशाखोरों पर कड़ाई से नियंत्रण करना होगा। लॉकडाउन में शराब की बंदी होने के कारण किसी की भी शराब पीने से मौत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन बाद में शराब मौत का बड़ा कारण बनी, जिससे साफ है कि शराब मानवता की शत्रु है। शराब बिक्री से जो राजस्व सरकार को मिलता है, उसका उपयोग भी गरीबों के हित में किया जाता है। इसलिए शराबबंदी और नशाबंदी के लिए सही उपाय अपनाने होंगे, साथ ही वर्जित क्षेत्र में भी दुकानें हटवाने के निर्देश देने को कहा। मध्य प्रदेश को भी गुजरात और बिहार की ही तरह शराबबंदी और नशाबंदी की योजना बनानी चाहिए।